तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पर तहसील कोटद्वार की। मेरे को यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं उस बारे में पता करना है। तो मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है, इतनी बड़ी तहसील है, कहाँ पूछूँ मैं। और यहाँ पर एक बंदी गृह भी है जहाँ पर बंदी अभी कोई मुझे लग रहा है नहीं बनाया गया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा बंदी गृह, तहसील का राजस्व बंदी गृह। कृपया बिना अनुमति बकायेदार को ना मिले, तो यहाँ उन्हें रखते जो बकाया जिन्होंने चुकाया नहीं होता है। अपनी बाइक जरा इस पेड़ के नीचे लगा रखी है, ये वाली बाइक है मेरी। और इधर से पता करते कुछ, ये तो एडवोकेट वाले रहते इधर। मुझे लगता है मुझे EWS सर्टिफिकेट यहीं पता लगेगा इस बिल्डिंग से। तो ये हमारे आवेदन पत्र अगर किसी को जमा कराने हैं, तो ये SDM की गाड़ी है, उसी के सामने ये ई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है। तो यहाँ पर लिखा जो है मैं पढ़ लेता हूँ, ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र पूर्णतः ऑनलाइन है, सभी दस्तावेज ओरिजिनल मूल में ही लाए। आवेदन पत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जमा किए जाएंगे। स्थायी निवास हेतु चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, हैसियत के लिए है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पत्र हेतु दस्तावेज। तो यहाँ पर इतने बंदे, इसके अलावा विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, अनुसूचित जनजाति जाति के लिए ये है, आय प्रमाण पत्र के लिए ये है, सामान्य जाति पवित पर्वतीय प्रमाण पत्र हेतु संग्रह। वैसे तो ऑनलाइन भी EWS का फॉर्म भर सकते हैं हम। अब इंटरनेट में तो चक्कर ये है कि इंटरनेट में सब जानकारी नहीं मिलती है, इस वजह से मैं यहाँ पर आया। EWS सर्टिफिकेट था ना, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो उसमें पड़ेगा। तो मैंने उनसे पता किया, उन्होंने कहा ई डिस्ट्रिक्ट में ही आओ। तो मैं यहाँ फिर से आ गया। मैं यहाँ पर तो EWS के लिए कुछ लिखा ही नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी लिखा है ये तो जाति प्रमाण पत्र के लिखा है या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। तो कैसे पता चलेगा, हैसियत प्रमाण पत्र होगा क्या? मतलब ये जो तहसील है उसका सबसे मेन ऑफिस यही है, ई डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर ही सब आय प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, पेंशन के लिए पत्र सब यहीं बनते हैं। अब कल मैं आऊँगा यहाँ 10 से 12 बजे के बीच में आऊँगा, इंटरनेट में देखूँगा किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा है। तो अब चलते हैं यहाँ से। आपको मैं चक्की दिखाता हूँ, ये है यहाँ की गराज से चलने वाली चक्की। अंदर देखते हैं यहाँ से। भाई यहाँ तो वो देखो कुछ दिख भी रहा है आपको, अंधेरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वहाँ पर मेरे को घुमाने वाला दिख रहा है। चलते हैं यहाँ से प्रॉपर रास्ता। ये आ रहा है पानी फोर्स के साथ इस नाली से और तब जाके चक्की में जाता है। और जो नीचे वहाँ पर सर्कल लग रखा है तो इसे घुमाता है, चक्की चलती है तब। चक्की खुली होती तो मैं चक्की दिखाता आपको, लेकिन चक्की है बंद। हाँ भाई, अभी देखो ये सोच रहे होंगे इस पन्नी में मैं क्या ला रखा हूँ। इस पन्नी में ला रखा हूँ मैं दिए, जो कि यहाँ डालने हैं पानी में। तो हमारे साइड तो पानी नहर में नहीं था, तो अब यहीं लाना पड़ा मुझे। ये है दिए, इतने सारे दिए, और अब डालते फटाफट से। ये डल गए यहाँ पर छाया में बेचारा। यहाँ से आप निकलते बरगद के पेड़ को, कहते भाई भाई बहुत ही मज़ा आया उसके नीचे खड़े होके, बिल्कुल इतना धूप में भी इतनी ठंडी हवा आ रही थी वहाँ पर, क्या बताए। बकर हर चिकन मेरा,
हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। जो बकरे की मीट है वो 650 रुपये के जी चल रही है इस समय, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अबे मेरा फोन, डांस मत कर भाई, डांस मत कर, स्थिर रहे स्थिर, तभी तो ढंग से दिख पाएगा। अरे बाबा ये तो डांस करने में लग गया। मैंने सुबह जो सेटिंग बनाई थी इतनी बढ़िया सेटिंग कर रखी थी मैंने, लेकिन अब ना जाने क्या हो गया कि ये इसका टेप ढीला पड़ गया कि क्या हो गया कि जो ये ढीला हो रहा है। आज ही काम बंद रखा है क्या आज है, मैंने क्या बता, अभी खाना खाने गए होंगे